असल में हर बंदा अपनी अपनी फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहा है, कोई अगर उस पे बैठा हुआ है, जिस चैनल पे बैठा हुआ है वो देखता है कि मेरी टीम ये है, और इस तरह के बंदे हैं। मैं अभी एक देख रहा था, किसी ने पूछा, एक हमारे बहुत फेवरेट, आजकल बड़े फेवरेट बने हुए हैं क्रिकेटर, वो कहते हैं जी, उनसे किसी ने पूछा जी आजकल पाकिस्तान कप हो रहा है, लेस्ट डे के मैचेस चल रहे हैं, आप क्यों नहीं खेल रहे? तो वो कहते हैं मेरे तो T10 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये हैं, मैं तो नहीं ये खेल सकता। तो दे वांट टू बी इन द वनडे इमान वसीम सीरीज, की बात कर रहे हैं वनडे आप? टीम। हाँ हाँ बिल्कुल, जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो इस तरह की चीजें हैं कि यानी बिल्कुल। आप खुद जब नॉन सीरियस हैं तो उसमें आप कहते हैं फिर। और मुझे नहीं याद पड़ता जब लास्ट टाइम इमाद वसीम साहब इंडिया में के उसमें भी थे, वर्ल्ड कप में भी थे, जब T20 का वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त भी टीम के साथ थे। फिर ये जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, ये वाला 19 का, उसमें भी टीम के साथ थे। तो उसमें हमें पता है इन्होंने क्या एक मैच जितवाया था मेरा ख्याल है, अफगानिस्तान वाला, उसके अलावा तो वो नहीं जितवा सके, कोई उस तरह का कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सके हमें। तो ले वो बात, उनको एक आदत है बोलने की कि नहीं जी नहीं, हमारा बंदा जो है वो होगा। एक और बंदा है जो कि क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है, जिसने 2019 के बाद रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन वो कहता है कि PCB आके मेरे मिन्नत तल्ला करे, मुझे मुनाए और मुना के जो है ना मुझे टीम में रखे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो यही बात करता है। मैं उसको सुनता हूँ, मैंने 2 गेंदे अंदर निकाल, 2 गेंदे उसको मैंने बाहर कराई थी, फिर मैंने अंदर करवाई। भाई वो जो 19 का वर्ल्ड कप हुआ था ODI का, फिर उसमें भी ये काम कर लेते अगर एक दफा जो कर लेते, फिर आपको एशिया कप में 2018 के एशिया कप में 2 दफा चांस मिला, वहां पे आप आई गेस कलेक्टिवली दो वो, मैचों में अब आप 3 विकेट मोहम्मद आमिर की टोटल ली, बात जिनमें कर से रहे एक रन आउट हैं। था। वो मैं आपका पॉइंट टोटल समझ गया टीम ने 3 विकेट नहीं, ये नहीं कि एक बंदे ने 3 विकेट नहीं, मैं टोटल आपका पॉइंट पाकिस्तान समझ की गया हूँ। टीम ने देखिए तीन उसमें ना, विकेट आई गेस उस ये ना मेरे ख्याल में दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लीग्स। अनफॉर्चुनेटली जो T10 और T20 लीग्स है ना, उनका यही ड्रॉबैक आ रहा है कि प्लेयर्स हैव स्टार्टेड नाउ प्रायोरिटाइजिंग दीज लीग्स, और देस ऑब्वियसली उसमें इजी मनी एक है, कम ओवर्स हैं, आपको लाइमलाइट ज्यादा मिल जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट जस्ट विद इमाद वसीम है या आमिर है, सिर्फ इनके केस में नहीं है ये। आई गेस ओवरऑल जो बाकी भी टीम मेंबर्स हैं जो इस टाइम टीम में भी हैं, मोस्ट ऑफ देम दे जी प्रेफर टू प्ले लीग्स एंड दे प्रेफर लीग्स ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा, आई गेस वो जो अभी आप बात कर रहे थे, वो बात ये कर रहे थे कि काफी ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मे बी बिकॉज ऑफ इट्स अ डाउनफॉल ऑफ T20, इट्स बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट मे बी, या लीग्स क्रिकेट, या T10 लीग्स, जिसमें प्लेयर्स हैव स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन दीज लीग्स एंड दे हैव स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग दीज लीग्स ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट। और आई गेस इसमें प्लेयर्स का उस तरह से इतना नहीं है। आई गेस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, वो भी आई गेस अगर आप देखें तो वो डोमेस्टिक से ज्यादा मेरे ख्याल में PSL और ये बाकी लीग्स की सिलेक्शन की बेस के ऊपर ही सिलेक्शन कर रहा होता है। एक बंदा अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर भी रहा है तो वो लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन अगर कोई PSL में या किसी लीग में परफॉर्म कर देता है तो सिलेक्टर्स प्रेफर दोज प्लेयर्स, राइट? तो इसलिए वो प्लेयर्स को भी पता चल गया कि यार डोमेस्टिक से ज्यादा अगर हम लीग्स में जाके खेलेंगे ना तो ज्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे और देर इज अ बेटर चांस कि हम सिलेक्ट हो जाएं। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इसमें अभी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि उन लीग्स में भी अगर हम खेलते हैं तो वो लीग्स भी काम के लीग्स होनी चाहिए। ये बिग बैश लीग हो गई या PSL हो गई, इनको निकाल दें। तो इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो है मेरा ख्याल है और कोई ऐसी लीग नहीं है जो कि हमारे खेलने वाली है, ठीक जिसकी है। बेस पे अगर खेलनी भी है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। देखें ये दो लीग्स ऐसी हैं, PSL या बिग बैश, IPL आप खेल नहीं सकते जिसमें बॉलर्स की कुछ क्वालिटी है। बाकी जितनी भी लीग्स हैं, कनाडा की लीग होगी, CPL की लीग होगी, उसमें खेलने वाले बॉलर्स को कोई जानता तक नहीं है। इसी तरह दूसरी और पता नहीं बांग्लादेश की लीग है, वो भी कोई उसमें भी खास बॉलर्स नहीं होते। तो वहां पर जाके हमारे बैट्समैन खास तौर पे इवन शादाब जैसे या वो आजम जैसे लड़के इस तरह के स्कोर कर रहे होते हैं, घर से पता नहीं क्या कर लिया है। तो वो लेकिन जब वही बात है कि हमने जब उनको नेशनल टीम में ला के देखा है कि आजम नेशनल टीम के साथ हमने रख के देखा है, उसको देखा वो बेचारे से ना फील्डिंग होती है, ना वो गेंद पकड़ सकता है, ना वो कोई शॉट इन मार सकता है किसी बॉलर को, क्योंकि आप एक लीग के बॉलर को लेग का छक्का मार देते हैं, उसमें उस स्टार को छक्का मारने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो बहुत समझ नहीं आ रही कि जी सरफराज को एज अ कैप्टन लाया जाए, वाई वी आर गोइंग बैक। आप मुझे चले ये बताएं, एग्जैक्टली सरफराज अगर इस टाइम ऑफ फुल फॉर्म में भी हो, ही इज आई थिंक अराउंड 36 ईयर्स ओल्ड, 36 ईयर ओल्ड के बंदे को ला के हम अगला वर्ल्ड कप तो टारगेट नहीं कर रहे हैं।
हमने एग्जैक्टली तो चाहिए कि अगले वर्ल्ड कप को देखें कि अच्छा हमने अपनी टीम प्रिपेयर करनी है, उसके लिए कोई यंग कैप्टन दें, या जो कैप्टन है उसको आप इम्प्रूव करें। आपने उसको एक्स दिया है, वो दिया है, और मेरा ख्याल है कि बाबर ने बाकी कैप्टन से बड़ी अच्छी मैं परफॉर्मेंस की है। कुछ लूप होल्स हैं ऑब्वियसली उसमें हैं, लेकिन लूप होल्स तो इतनी बुरी हैं, चीज़ नहीं। देखिए लूप होल्स और तो हैं, मुझे लेकिन उसके मेरे अलावा ख्याल में कोई और ना ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। जो लोग टीवी पे बैठ के बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना कि यार इसने हमें ये मैच भी हरा दिया, फाइनल भी नहीं जिताया, ये फाइनल भी हरा दिया, वो भी हरा दिया, उन लोगों से ये पूछेंगे उससे पहले जो कैप्टन थे वो कंजेक्यूटिवली आपको इतने ज्यादा फाइनल्स में लेके भी नहीं गए कभी, बात वही है ना, जब ये मतलब कहते हैं ना कि फाइनल नहीं जितवाया, तो इसका मतलब है कि फाइनल में हम गए तो है ना, वहां तो फाइनल में जाने का सवाल ही, फाइनल के सेमीफाइनल में जाने का सवाल एग्जैक्टली नहीं पैदा होता। जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट प्लेइंग 11 है, एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज कि इस टाइम जो पाकिस्तान की जो करंट प्लेइंग 11 है उसमें आई गेस बाबर से बेहतर कोई और कैप्टन है भी नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि बाबर ये भी बहुत हो अच्छा कैप्टन है, डेफिनेटली उसमें मसले हैं, लेकिन इस टाइम कोई और प्लेयर ऐसा लेकिन है भी मसले ये, नहीं। काफी प्लेयर्स आप तो ऐसे हैं मसलों जिनकी को अपनी हल टीम कर, में कंसिस्टेंटली जगह भी मसलों नहीं को बनती। और आपका ये काम नहीं है कि टीवी पे बैठ जाएं और कुछ जो है वो एक दो एंकर्स हैं, एक दो जर्नलिस्ट हैं, वो उनको बैठ के, उनको यही काम होता है कि यार उनको किसी तरीके से ना, अगर पाकिस्तान जीत जाए तो वो उनका बस नहीं चलता, वो सरफ खा लें कान छोटे। मुझे समझ नहीं आती कि व्हाई वी मतलब हम इनको अहमियत क्यों देते हैं इस तरह के लोगों को। मैं देख रहा होता हूँ पीछे पोस्ट पे ना कमेंट, अक्सर गालियाँ होती हैं, 90% लोग गालियाँ निकालते हैं उस बंदे को, खास तौर पे अभी जो उसने हरकत की थी मैसेज लीक करने की और उसके बाद वो करने की, तो उसको जितनी गालियाँ पड़ी हैं, जो लोग उसके हक में आए थे ना कि नहीं यार ये बात अब ठीक करनी शुरू हो गया, जिन्होंने देखा यार 3-4 मैचेस हार गए, जब उन्होंने ये हरकत देखी ना, उन्होंने दोबारा गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि यार ये बंदा ही सही नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की, और क्रिकेट बोर्ड को भी अक्ल करनी चाहिए इस तरह के लोगों के में के मशवरों में आके आप जिनकी बात जो है कर ना रहे हैं बर्बाद नहीं ना, करना। आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो जिस टीवी शो में बैठे होते हैं ना, उस टीवी शो के अंदर जो बाकी पैनलिस्ट और होस्ट है ना, वो भी उसको झुकते कर रहे होते हैं। हाँ उस इवन दे नो कि पूरी यार ये बंदा पैनल, मारेगा। पूरे पैनल में मुझे एक सेंसिबल बंदा नजर आता है, अजहर अली। अजहर अली के अलावा बाकी जितने भी हैं ना वो स्टेज के एक्टर हैं, वो क्रिकेटर कम और मस्खरे ज्यादा हैं। आप उसकी बात कर लें, एक बंदा जो उसमें है उसकी पूरी कोशिश है कि यार इस तरह मेरा भाई जो है ना, मेरे भाई, मैं भाई नहीं, मेरे भाइयों की पूरी फौज जो है वो टीम में आए। मुझे ना, अब ये जो शो है ना, मैं इनको उतना पैशन के साथ नहीं देखता जितना पहले देखता था, बट मैं अब इनको ना कॉमेडी माइंडसेट के साथ देखता हूँ, बिकॉज दे ऑल आर डूइंग कॉमेडी कॉमेडी। नो डाउट, कामरान अकमल की जो टीम, जो जो तारीफ बनती है वो बनती है आई गेस। फिटनेस वाइज आई गेस नो डाउट, उससे ज्यादा 90s, ही इज द ओनली प्लेयर जो कि 90s में आए थे एंड ही स्टिल प्लेइंग क्रिकेट एंड ही स्टिल सुपर फिट एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ अच्छा। द प्लेयर्स आप जो जो ये थे बात कर रहे हैं ना प्लेइंग इस शो की, जिस शो प्लेइंग की आप बात कर रहे हैं ना, ये शो मलिक वाले शो की, ये सबसे ज्यादा सेंसिबल शो है। एंड आई गेस वो शो जो है ना, आई गेस वो, आई गेस अगर इट इज दिस मच सक्सेसफुल इट इज बिकॉज ऑफ वसीम अकरम। आई गेस यस मैंने बड़े लोग देखे हैं जो कि ना एक मैच इधर से जीत जाए, एक बॉलर यू नो गंदी बॉल कर दे, सारे ना पागल हो जाते हैं। वसीम अकरम इज द ओनली सेंसिबल पर्सन आउट देयर जो कि ना मुनासिब बात करता है, ठीक बात करता है, उसको पता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। उसको देख के वाकई लगता है कि ये कैसा प्लेयर है जिसने वाकई क्रिकेट खेली हुई है। नाउ ही अंडरस्टैंड कि यार नहीं, ये मैच अगर हारे हैं तो कोई वजह होगी, या यू नो किसी ने का बैड पैच आया हुआ है। वो ही इज वेरी सेंसिबल, और आई गेस मैं तो एटलीस्ट शो उसी की वजह से देखता हूँ। वही चीज है कि उसमें आप देखें ना, उस शो में और बाकी शो में फर्क है। आप ये देखें कि अगर यही शोएब मलिक किसी और शो में बैठा हो तो आप इसके काम चेक करें। आपको याद होगा वहाब रियाज होता था, वहाब रियाज जिस वक्त तक इस शो में था और कितनी सेंसिबल बातें करता था, जैसे ही वो शो में उठ के वो एक हमारे आमिर के साथ जाके बैठा है और क्या क्या हरकतें शुरू कर दी थी उसने। और अब आप देखें इमरान और आमिर एक शो में होते हैं, और खैर वो शो ही मस्करों का है, उसमें तो कोई संजीदा बात हो ही नहीं सकती, तो उसको तो बात डिस्कस करना बेकार है। होता है ना, जो जो एंकर है, जो होस्ट है शो का, उसका भी बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। आई गेस फखरे आलम जो है वो, ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन एज वेल। उनका एक शो बहुत पहले लगता था, मैं देखता था, बोलें क्या बात आया था, तो वो आई गेस इट वाज वेरी गुड जियो शो। सुपर से याद आया कि जियो के पास एक और क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, और वो सिर्फ जियो के पास हैं, उनको कोई और चैनल बुलाने की जहमत ही नहीं करता। क्रिकेट के सिकंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है यार। मुझे ये समझ नहीं आती यार, उस
मैं तो जब भी वो लगता है ना मैं म्यूट कर देता मैं तो हूँ, काफी अर्सा एक हो वो गया बंदे की उसको मैं म्यूट कर देता हूँ, और एक जब बांग्लादेश के कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हो मैं म्यूट कर देता सर, वो जो बांग्लादेश के देश जो के पत्थर कमेंटेटर हैं, क्या नाम है उनका, अली खान। सर अली खान, वो तो सर मैं तो फैन हूं उनका, मतलब ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट फॉर अ सिंगर। मैं एक ना वो शाहीन अफरीदी ने एक दफा टेस्ट मैच चल रहा था बांग्लादेश में, तो उनका कोई बैट्समैन मुशफिकुर रहीम था वो बैटिंग कर रहा था, तो शाहीन अफरीदी ने ना बाउंसर करवाया, तो वो उसको डक करते हैं ना यूं उसने किया और गिर गया, वो पूरा पिच पे लेट गया, गिर गया यानी ये होता ना वो गिर गया, तो वो आगे से उसको कहता है कि यार ये गिर तो गया है लेकिन इसने ना बॉल बहुत अच्छी लीव की है, तो ये यानी उनके मैं यानी आपको कानों का कैंसर हो जाएगा अगर आप उनकी कमेंट्री ज्यादा देर सुनेंगे, तो वो तो मेरे ख्याल में खासतौर बांग्लादेश से अगर किसी बांग्लादेश नॉकआउट मैच में वर्ल्ड कप की हार भी जाएगा तो वो ये नहीं कहेंगे बांग्लादेश हार गया, वो कहेंगे वो इट वाज अ गुड प्रैक्टिस मैच फॉर बांग्लादेश, नाउ वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। सुन। मैं ना वो कमेंट्री जब इस तरह होता है ना वो कमेंटेटर आता है वो मैं बंद कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ वो, और दूसरा जब ये अपने क्रिकेट के सिकंदर तबसरा करने आते हैं मुझे बहुत ही जहर लगते हैं, क्रिकेट के सिकंदर है यार वो, आप ऐसे तो ना कहना। वो खुद ही बन गए हैं मेरा ख्याल है, तो वो आते हैं और माशाल्लाह मैंने उनको किसी और चैनल पे कभी तबसरा करते नहीं देखा, बाकी जितने वो भी आई हैं गेस वो जियो के फुल वो फ्लेज्ड एम्प्लॉय है शायद, इफ आई एम उनको नॉट कोई रॉन्ग।